हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन अनबॉक्सिंग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक मज़ेदार अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बेला वीटा ऑर्गेनिक की तरफ से आने वाले वाइट वुड परफ्यूम को। तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, कैसी है इसकी फ्रेग्रेंस और साथ में इसकी प्राइसिंग की भी बात इस वीडियो में आगे करेंगे। तो इसको मैंने बेला वीटा के ऑफिशियल साइट से ही परचेस किया है। कुछ इस तरीके की बॉक्स की पैकेजिंग है, तो चलिए फटाफट से इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें हमको वाइट कलर का हार्ड कवर बॉक्स देखने को मिलता है, जो इस परफ्यूम को बहुत ही प्रीमियम फील देता है। बॉक्स के फ्रंट साइड पे बेला वीटा की ब्रांडिंग है और 100 ml और यहाँ पे परफ्यूम की क्वांटिटी मेंशन की हुई है, जो कि 100 ml है। और यहाँ पे परफ्यूम की क्वांटिटी भी मेंशन की हुई है, जो कि 100 ml की है। और बॉक्स के बैक साइड की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बाय और मार्केट बाय की इन्फॉर्मेशन मेंशन है और साथ में इसकी MRP यहाँ पे मेंशन है। बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ भी मेंशन है, जो कि 3 years की ऑलमोस्ट है। तो चलिए फटाफट से इसको भी अनपैक कर लेते हैं। तो ये है परफ्यूम की बॉटल। बॉटल की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसमें हमको वाइट कलर की बॉटल देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है, जो कि हमको एक प्रीमियम प्रोडक्ट का एहसास दिलाती है। बॉटल पे भी सेम बॉक्स की तरह ही कंटेंट मेंशन है। फ्रंट साइड पे बेला वीटा की ब्रांडिंग है और वाइट वुड मेंशन किया हुआ है। और ये EDP वर्जन में हम लोग को ये परफ्यूम देखने को मिलता है और बैक साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। और इस बॉटल के बॉटम पे हम लोगों को वही शेल्फ लाइफ और इसकी MRP देखने को मिलती है। और इसके कैप की अगर हम लोग बात करें, तो कैप की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसके एटमाइजर की अगर बात करें, तो एटमाइजर भी अच्छे क्वालिटी का है, अच्छा जूस रिलीज करता है। तो दोस्तों, इसके इनिशियल स्प्रे पे हम लोग को एक बहुत ही फ्लोरल खुशबू महसूस होती है। इसके साथ में ही हम लोग को एक्वाटिक टोन भी देखने को मिलता है। हालांकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अल्कोहलिक ब्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट तक रहेगा। और जैसे ही परफ्यूम अपने बेस नोट की ओर बढ़ता है, तो उसमें आपको एक हल्का सा स्पाइसीनेस देखने को मिलेगा। और इसके नोट्स की हम लोग अगर बात करें, तो इसके टॉप नोट में आपको आर्टिमिजिया और लेमन की खुशबू देखने को मिलती है। इसके मिडल में आपको फ्रिशिया और पचुली का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और इसके बेस में हम लोगों को एम्बर और मस्क का कॉम्बिनेशन है। एम्बर और मस्क का कॉम्बिनेशन इस परफ्यूम को ठहराव देता है और इसके लास्टिंग में भी ये मदद करता है। ये एक फ्रेश फ्लोरल एम्बरी वूडी और मस्की परफ्यूम है। इसके ड्राई डाउन में आपको हल्का सा वूडी और मस्की टोन मिलता है। और इसके बेस में एम्बर की खुशबू मस्क के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनती है। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। और इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। और कपड़ों के साथ आपको ये 8 से 10 घंटे की लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है। इसका प्रोजेक्शन भी अच्छा है, 1.5 से 2 घंटे के अराउंड ये प्रोजेक्शन हम लोग को देता है। और इसके यूसेज की अगर हम लोग बात करें, ये दिन के लिए यानी डे टाइम के लिए बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। समर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसको पार्टी और वेडिंग जैसे ओकेजन पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें, तो 100 ml की ये बॉटल आपको 500 से 600 के अराउंड मिल जाएगी। मैंने इसको एक बेहतरीन डील में 299 rupees में ख़रीदा था। तो ओवरऑल दोस्तों, ये 500 से 600 के प्राइस में अच्छा परफ्यूम हमको देखने को मिलता है। मैं इसका बेस्ट बाय लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।